दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अग्निपथ और दबंग 2 फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं अग्निपथ फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अग्निपथ सन 2012 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, अरिश भिवंडीवाला, प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त, ऋषि कपूर, ओम पुरी, जरीना वहाब, चेतन पंडित, सचिन खेड़कर, राजेश टंडन, देवेन भोजानी, राजेश विवेक, बनवारी लाल तनेजा, रवि झंकल, कनिका तिवारी और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। इस फिल्म को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर और हीरो यश जौहर ने। इस फिल्म की कहानी पीयूष मिश्रा ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स इला दत्ता बेदी और करण मल्होत्रा ने लिखे थे। इस फिल्म के म्यूजिक अजय अतुल ने दिए थे और इसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 2600 स्क्रीन के साथ 26 जनवरी सन 2012 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 60 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 120 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 23 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 91 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 195 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2012 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं दबंग 2 फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दबंग 2 सन 2012 में आई एक क्राइम एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, प्रकाश राज, विनोद खन्ना, माही गिल, निकितन धीर, दीपक दोबरियाल, गिरीश सहदेव और मनोज पावा नजर आए थे। इस फिल्म को अरबाज खान ने डायरेक्ट किया था, इसे प्रोड्यूस किया था अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान ने। इस फिल्म की कहानी दिलीप शुक्ला ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म के म्यूजिक साजिद वाजिद ने दिए थे, उसके लिरिक्स इरफान कमल, अशरफ अली, समीर, जलील शेरवानी और साजिद वाजिद ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 3400 स्क्रीन्स के साथ 21 दिसंबर सन 2012 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 80 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 155 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 21 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 106 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 254 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 4.8 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2012 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से सलमान खान की फिल्म दबंग 2 ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।